एक्सप्रेस के बाद शाहरुख खान और रोहित शेट्टी की दोस्ती की रफ्तार एक्सप्रेस की तरह हो गई थी, लेकिन दिलवाले के बाद दोस्ती की ये गाड़ी खड़ी हो गई। रोहित का मानना है कि शाहरुख ने दिलवाले के प्रदर्शन के पूर्व बयानबाजी कर दी, जिससे फिल्म का व्यवसाय प्रभावित हो गया। दूसरी ओर शाहरुख का मानना है कि रोहित ने दमदार फिल्म नहीं बनाई, असर ये हुआ कि दोनों की अगली फिल्म बंद हो गई। दिलवाले के रिलीज होने के पहले ही शाहरुख और रोहित ने मिलकर एक मराठी फिल्म की योजना बना ली थी। संजय जाधव इसे निर्देशित करने वाले थे, कुछ मीटिंग्स भी हो गई थी। दिलवाले के प्रदर्शित होते ही शाहरुख रोहित के संबंध में खटास आ गई और उन्होंने मिलना बंद कर दिया। नतीजा ये निकला कि जिस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी उसे लेकर कोई बात नहीं हुई। मान लिया गया कि ये फिल्म बंद हो गई है।